नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग ग्रो म्यूजिक सीरीज। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक स्पाइडर का एक हमारा क्वेक्सियल का 6x9 का न्यू मॉडल आया है। जैसे कि काफ़ी सारे भाई ये बोलते हैं कि मुझे ट्रैक्टर पे अपने क्वेक्सियल लगाने हैं 6x9 के, और जो लोग बोलते हैं कि मुझे ट्रे में अपनी कार के ट्रे में स्पीकर यूज़ करने हैं, और काफ़ी सारे भाई ये बोलते हैं कि मुझे अपने जिम के लिए एक सेटअप बनाना है, या मुझे अपने होम के लिए 5.1 बनाना है, 4.1 2.1 हमें बनाना है। तो ये सब ये चीज़ें जो हैं, ये वाली जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सब उसी काम आने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी स्पेसिफ़िकेशन की अगर जो बात करूं, तो स्पेसिफ़िकेशन अगर जो आप लोगों को दिख जाए, तो पीक अगर जो हम इसकी पीक की बात करें तो 750 वाट इसकी पीक है, और अगर जो आरएमएस की बात करें तो 105 105 वाट आरएमएस इसकी पावर वो है आरएमएस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की अगर जो बात करें, 42 हर्ट्ज से लेके 22 किलो हर्ट्ज तक का इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। बाकी 4 ओम का हमारा ये स्पीकर है, क्वेक्सियल स्पीकर है, और जो इसके अंदर वॉइस कोयल है वो हाई टेम्परेचर की वॉइस कोयल इसके अंदर यूज़ की गई है। और एक बार मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये ओपन कैसा होगा। चलो आगे से ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे से थोड़ा सा आएगा नहीं इसलिए। तो ये कुछ इस टाइप का बॉक्स है, यहाँ पे रोहित लिखा हुआ है, तो ये मत सोचना कि बॉक्स के ऊपर भी प्रिंट किया हुआ है रोहित, ये मेरे पास कॉरियर आया था तो ये रोहित लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको इग्नोर करना थोड़ा। कुछ इस टाइप की हमारी ये पैकिंग होने वाली है, ये ऊपर प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। साथ में इसके एक हमें वारंटी कार्ड भी मिलता है, अगर जो मुझे दिखाई दे गया है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने देखा था इसको ओपन करते हुए, आई थिंक हाँ ये नीचे पड़ा हुआ है, वो बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को, पड़ा हुआ है, अब एक हाथ से मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्पीकर निकाल के इसके अंदर से फिर वो दिखा देता हूँ। मैं इसको एक बार रख देता हूँ नीचे। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का है, ये कुछ इस टाइप का हमारा स्पीकर है। ये इनको कुत्तों को भी अभी भौंकना था यहाँ पे। ये कुछ इस टाइप का है हमारा स्पीकर, आप लोगों को अगर जो दिख जाएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। अब ये अगर जो इस सेम चीज़ की हम बात करें, तो अगर जो हम मार्केट में सेम क्वालिटी की चीज़ लेने जाएंगे तो 7 से 8 हज़ार रुपये में आप लोगों को ये चीज़ मिलने वाली है। तो इसीलिए मेरा सबसे मेन चीज़ यही रहती है कि आपको सस्ती हो चीज़, और क्वालिटी में भी अच्छी हो। जैसा कि आप लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी भी देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इसकी लगी हुई है, मैग्नेट के ऊपर रबड़ का इसके ऊपर कवर भी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये कुछ मैग्नेट का कवर है जिसके ऊपर एक्सपाइडर की ही ब्रांडिंग यहाँ पे इन्होंने की हुई है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और अगर जो हम इसकी कोन की बात करें, तो कोन भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, प्लास्टिक कोन है। और सराउंड की अगर जो हम बात करें, तो रबड़ सराउंड हमें इसके साथ हमें मिलने वाला है। यहाँ पे हमारा एक मिड है, और यहाँ पे हमारा एक सुपर ट्विटर हमें साथ में मिलता है। तो ये कुछ इस टाइप का हमारा स्पीकर आप लोगों को मैं दूर से भी दिखा देता हूँ, कुछ दिखता है। और अगर जो हम इसके स्पीकर की प्रोटेक्शन की बात करें, वो सबसे प्यारी चीज़ मेरे को यहाँ पे जो इसके अंदर लगी है, वो इसकी प्रोटेक्शन ग्रिल जो है, ये बहुत ही प्यारी अल्टीमेट चीज़ लग रही है। ये अल्टीमेट चीज़ हमें यहाँ पे दिखने में लग रही है, ये लोग आप लोग देख सकते हो कैसा ये पीस हमें दिखाई दे रहा है, आप लोगों के सामने है सब कुछ। और अगर जो वेट की बात करें, तो वेट में भी बहुत ही हल्की चीज़ है, बहुत ही प्यारी चीज़ है, हल्की भी है, प्यारी भी है, और बजने में भी शानदार है। जैसा कि मैंने एक आप लोगों ने शायद थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस इसकी देख ली हो, मैंने एक जिम में सेटअप लगाया था जिसके अंदर हमारे काफ़ी सारे स्पीकर ये यूज़ किए गए थे। तो ये हमारे स्पीकर हैं, वही वाले ये स्पीकर हैं जिनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आप लोगों को दी गई है। ये कुछ इस टाइप का हमें दिखाई देता है, अगर जो आप लोगों को पास से ये दिख जाए तो ये चीज़ आप लोगों के सामने है, देख लो एक बार आप, ये है ये चीज़। अगर जो हम इसकी स्पाइडर की बात करें, तो सबसे मेन चीज़ जो स्पाइडर के न्यू मॉडल आ रहे हैं ना, मुझे सबसे अच्छी उनमें चीज़ लगती है ये जो स्पाइडर इन्होंने यूज़ की है यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की यहाँ पे स्पाइडर जो है यहाँ पे यूज़ की हुई है,
यहाँ पे किसी तरह की येलो स्पाइडर, रेड स्पाइडर नहीं है, ब्लैक स्पाइडर यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है, जिसको हाथ लगा के, उंगली लगा के दबाने से ही पता लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमारी स्पाइडर है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेच भी हो रही है और हार्ड भी है। सबसे मेन चीज़ ये स्ट्रेच होने के साथ साथ हार्ड है, जो कि बहुत अच्छी बात हमें स्पाइडर में लग रही है। 4 ओम का हमारा ये स्पीकर है, पीछे से कुछ इस टाइप का हमें ये देखने को मिलता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पीछे से कुछ इस टाइप का हमें देखने को ये मिलेगा, ये चीज़ है। तो चलिए अब हम इसके बात कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने काफ़ी सारे भाइयों को पहले भी बताया था और अब फिर मैं वीडियो के उससे भी बता रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको बेचना तो वीडियो से पहले ही शुरू कर दिया था। अरे माइक की वायर भी उलझ गई है, तो वीडियो से पहले ही हमने इसको बेचना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी भाइयों को, अब फिर मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग हर जगह यूज़ कर सकते हो, अपने 4 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, आपको होम पे यूज़ करना है, आपको अपने ट्रैक्टर में यूज़ करना है, अपनी कार में यूज़ करना है, या किसी हॉल में यूज़ करना है, आपको एक म्यूज़िक सिस्टम बनाना है अच्छा, 5.1, 7.1, 12.1, आप जैसा मर्जी सेटअप इसको लगा के बना सकते हो। आउटडोर में यूज़ करना है तब भी बहुत अच्छा चलेगा, इनडोर में यूज़ करना है तब भी बहुत अच्छा चलेगा। जो लोग बोलते हैं कि मुझे भाई एक अच्छी बेस और अच्छी ट्रेबल हमें वोकल मिल जाए, तो उस चीज़ के लिए भी ये बेस्ट है। बेस के लिए जो कोन इन्होंने यूज़ की हुई है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की जो है यहाँ पर कोन यहाँ पर यूज़ की हुई है। साथ में हमें ये रबर सराउंड यहाँ पे मिल रही है, जिसकी वजह से और भी अच्छी क्वालिटी इसके अंदर देखने को मिल सकती है और सुनने को भी मिल सकती है। ये भी जो चीज़, ये जो एरिया है ट्विटर का और मिड का, ये भी बहुत अच्छे से बनाया गया है, अच्छे से इसकी भी ट्यूनिंग प्रॉपर मिला के की गई है कि इससे इतनी फ्रिक्वेंसी निकलेगी, इससे ये बराबर करके आप लोगों को यहाँ पे बना के दिया गया है। तो चलिए अब एक बार इसकी हम प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर जो प्राइस की बात करें तो 3500 रुपये का ये हमें पेयर मिलता है, 3500 रुपये का पेयर है, शिपिंग आपकी इसके अंदर अलग दी जाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3500 रुपये का ये हमें पेयर मिलता है। अगर जो आप सेम चीज़, सेम क्वालिटी में आप कहीं बाहर से लेने जाते हो, तो आपको सेम चीज़ ये 7 से 8 हज़ार रुपये में मिलने वाली है। जैसा कि मैंने ये आप लोगों को शायद दिखाया नहीं है, किकर सेम चीज़ देती है आप लोगों को, लेकिन किकर के स्पीकर बहुत महंगे हैं। सेम कोन वो यूज़ करती है, सेम सराउंड यूज़ करती है, ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों प्राइस मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेने का तरीका यही है, नीचे नंबर दिया हुआ है आप लोगों को, कॉल करके आप, अगर जो आप लोगों को प्राइस इसका पसंद आता है तो आप लोग ले सकते हो। प्राइस से अलग आपके चार्जेस सिर्फ शिपिंग के आते हैं, 200-300 जितने भी आपके एरिया के हिसाब से आते हैं, 200 आते हैं, 300 आते हैं, 400 आते हैं, तो वो आपके एरिया के हिसाब से वो लगते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, बाय।